अब बात करते हैं इसके ओवरऑल प्राइस के बारे में, तो ये लगभग लगभग आपको 79,000 से लेकर 81,500 के प्राइस रेंज में मिलेगा, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये व्हीकल बहुत ही ज़बरदस्त साबित होता है। अब एक ड्राइवर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से मैं सामने का लुक आपको बताता हूँ। तो जैसे आप सामने के लुक में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर कंसोल दिया हुआ है, और ये 0 से लेकर 140 km पर आर की स्पीड में आपको मिलेगा, जिसमें एक अच्छे फॉर्मेशन में दिया हुआ है, और टोटल किलोमीटर्स यहाँ पर कितने रन होते हैं उसके डिटेल्स रहेंगे, और वहीं पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के पूरे डिटेल्स आपको राइट वाले पोर्शन में मिलेंगे, जिसमें न्यूट्रल इंजन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, और जो तीसरा वाला है ये आपका हाई बीम या लो बीम के लिए पूरा डिटेल्स बताता है। और जैसे आप नीचे देखेंगे तो बीच वाले पोर्शन का वो कुछ इस प्रकार से लुक्स आपको दिखेगा। अब आते हैं कलर्स के बारे में, तो 5 प्रकार के आपको कलर्स इसमें मिलेंगे, और इस कलर की एक बात बहुत खूबसूरत है कि इस ब्लैक वाले पोर्शन में आपको 3 अलग अलग ग्राफिक्स वाले ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और तीनों डिज़ाइंस आपको सेम 800-900 के प्राइस रेंज में मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द शोरूम। तो आप कभी भी ये ऑप्शन लेते हैं तो आपके पास एक अल्टरनेशन बेहतर रहेगा कि आप बेहतर पैमाने में इसे और खूबसूरत बना सकते हैं ग्राफिक्स लगा के। सो ये था क्विक डिटेलिंग स्प्लेंडर प्लस के बारे में, आपको कैसा लगा ये वीडियो जानकारी ज़रूर मेरे को बताएं, और अगर आप इसके अलावा दूसरा कलर भी चाहते हैं तो उसका भी मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।